फाल्गुनी पुरोहित, ये लड़की आप ही है ना? जी, नाम भी सही है और फोटो भी। कहिए, क्या सिलवाना है आपको? नहीं नहीं, मैं कुछ सिलवाने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ कुछ जरूरी काम से आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। सरस, बहु सरस। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वेरी गुड। बाय द वे, माय नेम इज शाह, मिस्टर कार्तिक शाह। मैं इनाइकल इंडस्ट्रीज से आया हूं और हमारी कंपनी पूरे राजस्थान में नंबर 2 पर है। सर आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, आइए। थैंक यू। बिट्टू, सर के लिए चाय लिया? अरे ना 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 ना, रेवा दो। मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। एक्चुअली तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है फाल्गुनी। वो क्या है ना, हमारी मैडम जो है, मैथिली मैडम, उन्होंने तुम्हारे डिजाइन्स देखे, उन्हें तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेके भेजा है। कॉन्ट्रैक्ट? यस, कॉन्ट्रैक्ट, हमारी कंपनी के लिए डिजाइन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कल से नौकरी चालू। और हाँ, इतना अच्छा मौका और पगार और कोई कंपनी नहीं देगी। 35,000 हर महीने, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सच में मुझे 35,000 देंगे हर महीने? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत के 6 महीने स्टार्टिंग सैलरी है, फिर बढ़ जाएगी। पर सर, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। ओहो, कम ऑन फाल्गुनी, अब डिग्री फिग्री की क्या जरूरत है, जब मैथिली मैडम ने बोल दिया कि तुमको लेना है, बात खत्म। तो क्या मैं आपकी मैथिली मैडम से मिल सकती हूँ? अब रोज साथ में काम करेंगे तो रोज मिलेंगे ही, लेकिन हाँ एक बात है कि मैथिली मैडम बिना काम के किसी से मिलती नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और कल ऑफिस आ जाना। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो फिर ये नौकरी जिंदगी भर के लिए भूल जाना, क्योंकि मैथिली मैडम सिर्फ एक बार ऑफर करती है, दोबारा नहीं। पर इतनी जल्दी में चीज़ों सोचना क्या इसमें? अब एक मिनट रुको, मैं अभी पेन लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, सोच लो सोच लो। वैसे फाल्गुनी, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जब लक्ष्मी सामने से तिलक करने आती है ना, तब मुंह धोने नहीं जाते। चलो साइन कर दो। सरस, बहुत सरस, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, कल मॉर्निंग में ऑफिस आ जाना। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी शुक्रिया। माँ, आज तो सचमुच गुड मॉर्निंग है, क्योंकि आज मैं मैथिली जी की कंपनी में अपना काम शुरू कर रही हूँ। ये काम बिल्कुल सही टाइम पे आया है। वैसे मैंने बचपन से बिट्टू की शादी के लिए पैसे तो जमा किए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी शादी इतने बड़े घर में होगी। अब मुझे लगता है कि ये सब लड्डू गोपाल की ही प्लानिंग है। क्यों लड्डू गोपाल, सही कह रही हूँ ना? आपने इतनी अच्छी जॉब दिलाई है तो अच्छे पैसे भी दिलवाएंगे और फिर धूमधाम से विधान और नियति की शादी भी करवाएंगे। बस अब पुत्रा देवी को भी राजी करवा दो। वैसे माँ, मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिली है तो क्या पता उत्तरा देवी का रवैया भी बदल जाए और वो इस शादी के लिए मान जाए।
लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए हैं माँ। अपना आशीर्वाद रखना। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा पहला दिन है, कहीं लेट ना हो जाऊं। जीजी माँ रुकिए। अरे बिट्टू क्यों टोका जाते हुए? क्योंकि आपने दही चीनी नहीं खाई इसलिए। आप ही तो कहती हो अच्छा काम करने से पहले दही चीनी खा के जाना चाहिए। मैं तो वही कहती हूँ बिट्टू जो माँ सिखाया करती थी, तुझे याद है? हर अच्छे काम की शुरुआत साफ दिल से करनी चाहिए। बिट्टू दही और चीनी खाते समय ऐसा मुंह नहीं बनाते, पता है? ये हमारे लड्डू गोपाल जी की सबसे मनपसंद चीज है। क्यों? क्योंकि दही से हमारे पेट की आग ठंडी होती है और चीनी से फुर्ती आती है। नहीं जीजूमा, वो माँ के वक्त की बात ही अलग थी ना, और वैसे भी दही चीनी खाना ना अच्छा नहीं होता है। अब दही फैटनिंग होता है और चीनी से शुगर बढ़ती है तो डायबिटीज हो जाती है ना। नहीं। देखा माँ, इसे कॉलेज का भेजा, चार किताबें पढ़ के हमें सिखाने लगी। चुपचाप खा ले, मीठा खाओ और मीठा बोलो। अब नहीं जीजू माँ, नहीं। अरे नहीं। एक और खा। जीजू माँ आपने मुझे दो चम्मच खिलाए ना, अब मैं आपको चार चम्मच खिलाऊँ। मोटे होंगे तो दोनों साथ में होंगे। चार चम्मच तो तुझे खाने चाहिए बिट्टू, क्योंकि मैं एक हूँ और तुम दो। मतलब? क्या मतलब, छोटा विधान भी तो है तेरे साथ, उसे भी तो। सॉरी तो अभी तक नाराज है विधान से? एक बिट्टू उस दिन पार्टी में जो कुछ पार्टी में जो भी हुआ चीची माँ मैंने देखा। अब ये सब छोड़िए ना, विधान की बात मत करिए। चल ठीक है, तू अपना मुंह खोल। प्रेगनेंसी में डबल खाने की जरूरत नहीं होती चीची माँ। मुझे मत सिखा, ये जो अपना साइंस का ज्ञान है ना अपने ससुराल वालों को देना, मेरे लिए तो माँ की सिखाई हुई सीख ही काफी है। चीची माँ आप भी ना। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना ठीक है। मैडम जी वो सारी मीटिंग्स बने लाए। यस बेटा अभी नहीं, बाद में बात करते, मुझे लेट हो रहा है। मॉम वो मॉम आई क्या हुआ, तुम इतना एजिटेट क्यों हो रहे हो? अच्छा पैसे खत्म हो गए शोम जी, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? शोम जी मैडम जी बोलो जल्दी। मैं नियति से मिला था। तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ है कि नहीं विधान, या उस लड़की ने वो भी तुमसे छीन लिया है? मॉम गलती उस लड़की फाल्गुनी की थी, आप खुद उसे घर पर पार्टी में बुलाती हो। मॉम मैं नियति से एक बार मिल भी नहीं सकता क्या? ऑफ कोर्स मिल सकते हो, मैंने कब मना किया, लेकिन हर बार पहल तुम क्यों करते हो? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? इतना ईगो क्यों है उसे? मॉम वो ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, बस नाराज है मुझसे। झगड़े पहले भी होते थे लेकिन मैं मना लेता था उसको, बट दिस सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। आपको पता है आपकी एनिवर्सरी की पार्टी के दिन नियति यहां थी। What? और उसने मुझे और कायरा को साथ में डांस करते देखा था। So, उसे तुम्हारा डांस पसंद नहीं आया? मॉम उसे मेरा कायरा के साथ डांस करना पसंद नहीं आया, ऑलरेडी अपसेट थी और हर्ट हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, क्लास डिफरेंस। ऑफकोर्स इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो जिस एरिया में रहती है जिस बस्ती में रहती है वहां पे सिर्फ माता के जगराते होते हैं। ये रावत मेंशन है, यहां हमेशा पार्टीज होती रहती है। अब पार्टीज है तो म्यूजिक होगा तो डांस होगा। मुझे नहीं पता था वो लड़की इतनी ओल्ड फैशन है। मॉम नियति ओल्ड फैशन बिल्कुल भी नहीं है, शी इज अ मॉडर्न गर्ल। और फिर भी उसे इस बात का बुरा लगा, यू नो व्हाई? शी वाज जेलस। वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, वो मुझसे इतना प्यार करती है ना, और मैं सिर्फ उसे हर्ट कर रहा हूं। ओके चलो, सुबह सुबह ये सीरियस बातें बहुत हो चुकी, एंजॉय बेटा। मेरे हैंडसम बेटे के चेहरे पे ये फ्राउन लाइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
टेंशन लेने का काम तुम्हारी मामा का है, तुम बस एंजॉय करो। शोम जी, मैडम जी, विधान के अकाउंट पे 3 लाख रुपए ट्रांसफर करो। मॉम, 3 लाख नहीं, 5 लाख ट्रांसफर करो। मॉम, मुझे जरूरत ही नहीं है। लाइफ इज टू शॉर्ट बेटा, और जवानी उससे भी शॉर्ट है। सो जस्ट एंजॉय दिस टाइम, बाय समथिंग नाइस फॉर यू, फ्रेंड्स को बुलाओ, पार्टी करो, घूमो फिरो, मजे करो। और एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट लेडी कौन है? मॉम। यस, योर मॉम, एंड योर मामा लव्स यू। लव यू टू। नाउ स्माइल, और मुझे काम करने दो। चलो लेट्स गो। मैडम जी, आप महान हो, कलमंदी की खान हो। धान बाबा जब छोटे थे तब आप उसको लॉलीपॉप देकर प्यान बटाते थे, और अब जवानी में आप उन्हें पैसों का लॉलीपॉप देकर प्यार से भटका रहे हो। भटक तो वो ऑलरेडी गया है शो, उसे बस रास्ते पे लाना है। और क्या है ना, पैसों के सिग्नल से बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है। ये तो मेरे छोटे से बेटे का छोटा सा प्यार है। Let's go. मुझे मैथिली जी ने अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैम ने तुम्हें बुलाया है? व्हाट्स योर नेम? फाल्गुनी, फाल्गुनी पुरोहित। वन मिनट। आई जस्ट चेक। मैम, कोई फाल्गुनी पुरोहित? यस यस मैम, सॉरी मैंने आपको वेट कराया। आइए, मैं आपको मैम के कैबिन तक लेके चलती हूँ। बिल्कुल सही टाइम पर आई। बैठो बैठो, कहो बैठो बैठो। हम अभी कुछ डिजाइन के रेफरेंसेस पर ही काम कर रहे थे। कम जॉइन अस, दिखाइए। दिस इज द बेस्ट डिजाइन। कैसा लगा? अरे हम लोग भी आते ही इन्हें काम पर लगा दिया। पहले इनकी हेल्प कीजिए, अपने बॉस को सेटल कीजिए। बॉस? हाँ। ओह सॉरी, ये प्रिया है और ये अंजलि। हेलो मैम। इन दोनों ने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, और ये दोनों तुम्हारी असिस्टेंट्स होंगे। असिस्टेंट्स? हाँ। अरे भाई, अपने बॉस को अपने कैबिन तो दिखाइए। कम ऑन कम ऑन, जाओ फाल्गुनी। मैम प्लीज आइए ना। एंड वेलकम टू आवर कंपनी। प्लीज आइए मैम।
मैम प्लीज आइए। ये मैम आपके लिए है। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ चलाना नहीं आता, मैं तो अपने डिजाइन बुक में ही बना रही हूँ। वाओ, इतने यूनिक डिजाइन, वेरी इंटरेस्टिंग कट्स। आपको पता है हमने तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्केचेस बनाए थे, वो भी स्टेंसिल्स के साथ। मैम आइए ना, प्लीज बैठिए ना। मैथिली मैम वॉज वेरी राइट, आपके जैसे बॉस से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई ओके मैम? हाँ मैं ठीक। कहाँ फंस गई फाल्गुनी, इतना फैंसी ऑफिस है और तुझे तो ठीक से अपनी कुर्सी पे बैठना भी नहीं आता। हे लड्डू गोपाल, यहाँ मेरी नाक मत कटवाना, जरा मेहरबानी रखना प्लीज। मैडम टी कॉफी? या वन फ्रैपिचिनो विद एक्स्ट्रा क्रीम एंड वन कैपुचिनो फॉर मी। और मैडम आपके लिए? ये कोई नॉर्मल चाय नहीं है, ग्रीन टी है, ट्राई करो ना, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी मिलेगी? गुड चॉइस, सो हेल्दी। I'll also have a green tea. Me too. Murari ji, तीन green tea लेकर आइए. Okay? तीन green tea. 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 तीन. बिट्टू जल्दी आना. पता है इसी चक्कर में मैंने दूध वाली चाय तक नहीं पी. हंसो मत ना. मेरी तो जान ही निकल गई थी. इतना बड़ा ऑफिस है वो. और मैं तो अपने डिजाइन हाथों से बनाती हूँ. लेकिन वहाँ वहाँ तो सब लोग कंप्यूटर पे टकर टकर करके काम करते हैं और इतना इंग्लिश में बात कर रहे थे वो लोग, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुरेश पता है मैंने ऐसे लोगों के साथ कभी काम नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। अरे कर पाओगी, बिल्कुल कर पाओगी। तुम्हें पता है जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा तो मुझे तुम पर है। थैंक यू सुरेश, काश मैं उधार ले पाती तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आज से पहले कभी तुमने काम ही नहीं किया। काम तो किया है लेकिन कपड़ा बाजार की बात अलग थी ना, मैं तो वहाँ से बचपन से काम करती हुई आ रही हूँ। और देखो वहाँ पे सीधे साधे व्यापारी लोग होते हैं जिनके काम करने का तरीका भी मुझे मालूम था और भाषा भी। यहाँ ये पैसे वाले लोगों के बीच में तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि पैसे वाले लोग कोई अलग जाति के होते हैं या फिर उनके ऐसे सर पे सींग निकले होते हैं। होते हैं ना सिंह, लेकिन हमें नहीं दिखाई देते। ये पैसे वाले लोग हम जैसे नॉर्मल बिहेव थोड़ी करते हैं। क्या सोचती है ये अमीरों के बारे में? क्या होगा जब इसे पता चलेगा कि मैं सुरेश नहीं सुयश हूं?